एनपीसीआई ने इंटरनेट की बड़ी कंपनियां व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल के साथ जुड़ने का फैसला किया है, जिससे भीम ऐप और यूपीआई पेमेंट्स में इजाफा हो सके। देश में हुई नोटबंदी के बाद से सरकार ने डिजिधन मेला की योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को प्रोत्साहन देने के लिए 30 दिसंबर 2016 को भीम एप्लीकेशन लॉन्च किया था, जो यूपीआई पेमेंट्स यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर काम करती है। इस एप्लीकेशन के लॉन्च होने के करीब 7 महीने बाद भीम एप्लीकेशन के सिर्फ 1.60 करोड़ डाउनलोड हुए, जबकि भारत की जनसंख्या करीब 130 करोड़ की है। इन 1.60 करोड़ डाउनलोड्स में से करीब 40 लाख ग्राहक ही एक्टिव है। अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात करें तो जुलाई के महीने में 3,411 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। हालांकि इन आंकड़ों में हर महीने धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। भारत सरकार ने अपनी यूपीआई मुहिम को चलन में लाने के लिए एक नया उपाय ढूंढ लिया है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इंटरनेट कंपनियां जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, उबर के साथ जुड़ना शुरू कर दिया है। एनपीसीआई ने व्हाट्सएप को बैंक से जुड़ने के लिए इजाजत दे दी है, जिससे यूपीआई के आंकड़ों में इजाफा हो सके। वहीं गूगल अभी आरबीआई के आदेश के इंतजार में है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी सेवाओं को सरकार सुरक्षा कारणों से कई बार बंद कर देती है, तो भीम ऐप पर भी इस बंदी का असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।